12 बज गए। संध्या, तू और इस वक्त यहाँ पर? तुझे देखने का बहुत मन किया, इसलिए बिना इन्फॉर्म किए चली आई। रास्ते में बस भी खराब हो गई, इसलिए इस वक्त आई हूँ। ये क्या यार, मुझसे सारी बातें यही खड़े रहकर करेगी, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे अरे सॉरी मैडम, अंदर आ जा। आने से पहले एक फोन तो कर देती। मैं बहुत थक गई हूँ यार, पहले मैं नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी। ओके ओके। आंख लगी नहीं थी कि मनहूस फोन बज उठा। हेलो बेटी मंत्रा। क्या हुआ आंटी? क्या तेरे पास आने के लिए निकली थी, एक्सीडेंट हो गया और वो जल बस। व्हाट? अर्जेंटली विजयवाड़ा जाना था पर बहुत जोरों से बारिश आने लगी, गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो बारिश रुक जाने तक मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज। विजयवाड़ा जा रही हो बेटी? हाँ। अरे तुम पूरी तरह भीग गई हो बेटी, रुको। बेटी मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, तुम बैठो। दो दो
हुआ तुझे? क्या बात है, तुम इस तरह क्यों चिल्लाई? ए मंत्रा, मंत्रा क्या हुआ तुझे? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कोई बुरा सपना देखा क्या? आज ऑफिस में ऑडिटिंग होने वाली है, वैसे भी देर हो गई है, जल्दी करना। चल उठ जा मंत्रा और जल्दी से रेडी हो जा। ए मंत्रा, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। ए मंत्रा जल्दी आना। कमिंग कमिंग कमिंग। अरे ऐसे कामों में मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप कहाँ लगाया है, सिर्फ क्रीम है। तू इतनी खूबसूरत है, तुझे क्या जरूरत है मेकअप की? अच्छा, तुम इस ड्रेस में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। देखते ही मुँह से तारीफें निकल रही है, हम क्या करें? बस कर, जल्दी करो यार, लेट हो गए तो वो बूढ़ा खुद से ठंपे बरस पड़ेगा। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग मैम। मंत्रा एक मिनट। हाँ? तुम्हारे लिए लेटर आया था, मैं देना भूल गई थी। थैंक यू। अपसेट क्यों हो गई यार? हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सबको छोड़ के जाने से ये दुखी हो रही होगी। सी, जिंदगी एक सफर है, हर वक्त हमसे हर तरह का इम्तिहान लेता ही रहता है। करियर हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, तो बिना फिक्र किए हैप्पीली ये जॉब ज्वाइन कर लो। हाँ यार, तो इसी बात को मान ले। ठीक है, देखती हूँ। और हमारी पार्टी डन। ये मिस्टेक तो आपकी है डैडी, कोई डैडी ऐसा नहीं करते होंगे। मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मम्मी को अपने साथ लेकर चले गए। पता है मैं आप दोनों के बिना कैसे जी रही हूँ? हाँ, आप दोनों यहाँ थे तो चलिए रहने दीजिए। आप दोनों को दुख पहुँचाऊंगी तो मुझे और दुखी होना पड़ेगा। आप जहाँ भी हैं बस खुश रहिए। आज मैं जॉब के लिए हैदराबाद जा रही हूँ, अब मैं वहीं रहूंगी। ठीक है, बाय। सुनो मंत्रा, तू अकेली जा रही है ये सोचकर तू दुखी मत होना। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, तू हैदराबाद जाके हॉस्टल में मत रहना, देखना अगर पेइंग गेस्ट बन के रह सकी। इस तरह तुझे एक फैमिली भी मिल जाएगी। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। संभल कर जाना बेटा, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। बाय 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 मंत्रा। बाय, टेक केयर। बाय। यात्रीगण से निवेदन है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए संतरा जी। संतरानी मंत्रा। गलती से मिस्टेक हो गई मैडम, ऑफिस से निकलते वक्त जल्दी थी इसलिए मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया था। और आप कौन है? ऑफिस का ड्राइवर हूँ, आपको ले जाने। ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मुझे दीजिए। थैंक यू। मैम हैदराबाद आप पहली बार आई हैं, किसी को पहचानती हैं? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और आपको? मतलब यहाँ आपका कोई नहीं है, फिर आपको कहाँ ले जाऊँ? आप किसी हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे? हॉस्टल में रह रहकर बोर हो चुकी हूँ, फिर से हॉस्टल नहीं। मेरे जान पहचान में एक रिटायर्ड ऑफिसर रामा राव जी हैं, उनके साथ अब यहाँ कोई नहीं रहता, बड़ा सा बंगला, मियाँ बीबी अकेले रहते हैं। उन्होंने कहा था कोई शरीफ इंसान मिले तो उसे लेकर आना, आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये क्या बात हुई, आपने मुझे शरीफ कैसे समझ लिया? अगर मैं शरीफ ना निकली तो? मुमकिन नहीं है, जो लोग सच में शरीफ होते हैं शराफत उनके चेहरे से झलकती है मैडम। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ प्लेइंग गेस्ट बनके रुकिए। पेइंग गेस्ट? हाँ हाँ, वही प्लेइंग पेइंग गेस्ट बनकर रह लूंगी, अगर वो मान जाए तो। जरूर मान जाएंगे मैडम, आइए बैठिए। थैंक यू। आप यहीं रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। ओके।
नॉट ओके। ओके ओके है, मैम साहब बुला रही हैं, मेरे साथ चलिए। लेकिन मालिक? मालकिन ने फैसला कर दिया, मतलब हो गया। ओके। प्रसाद, तुमने इसी के बारे में बताया था क्या? जी मैम साहब। सुनो भाग्यवान, तुम्हें लगा था ये पौधा मर चुका है? नहीं, ये जिंदा है और फूल भी खिला है। ये बच्ची कौन है? ये मंत्रा है। किस गांव से? वैजाग से। ऑलरेडी इसका इंटरव्यू ले चुकी हो? हमारे यहाँ पेंगेज बनकर रहने आई है। तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं, तुम अगर शर्त मानोगे तो सोच सकते हैं। तुम्हें रोज एक घंटा हमसे बात करनी होगी। वो क्या है ना कि मैं इस बुढ़िया से बरसों से बात कर करके थक चुका हूँ। तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बिल्कुल अंकल। अपनी बात से मुकर मत जाना। अंकल, बस आप दोनों ही इस बंगले में रहते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, मेरे बच्चों की यादें इस घर में मेरे साथ हैं। वो इस वक्त मुझसे दूर हैं तो क्या हुआ बेटा, लेकिन वो दिल में तो हैं। एक दिन हम फिर से मिलेंगे। ये बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ पर हैं? वो रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? वैजाग में? वो गुजर चुके हैं। ओह, आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल, आप भी मेरे लिए मम्मी डैडी जैसे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक और बात, तुम्हारा दिल जब तक चाहे रह सकती हो। मैंने पहले ही कहा था ना, हमारे मालिक बड़े दिल वाले हैं। आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस छोड़कर मैं भी ड्यूटी पे लग जाऊंगा। सेकंड शिफ्ट में दूसरा ड्राइवर होता है, मेरा शिफ्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, अंदर चलो बेटी। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अपॉइंटमेंट लेटर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर मूर्ति, प्लीज कम टू माय केबिन। तो तुम्हारी जैसे यंग चार्मिंग पर्सन की हमारी कंपनी को बहुत जरूरत है। आई होप यू विल डू योर बेस्ट। श्योर सर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। यस सर। मिस्टर मूर्ति, दिस इज मंत्रा। हेलो। इन्हें ले जाइए, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाइए और चीफ सुपरिटेंडेंट से भी। डेफिनेटली सर, श्योर। थैंक यू सर। मिस्टर मूर्ति। यस सर। मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, मंत्रा का स्टाफ से इंट्रोडक्शन करवाइएगा, उस स्टुपिड इंसान से नहीं। ओके सर। लिसन गाइस, शी इज मंत्रा, आवर न्यू प्रोग्रामर। हाय। हाय मंत्रा। हेलो। दिस इज योर सीट। वेलकम टू आवर कंपनी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये क्या, ऑफिस में फ्रेशर्स को स्वीट्स दी जाती है क्या? नो 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 नो, टुडे इज माई डिवोर्स डे। हाँ, आज मैं आजाद हुई थी। मेरे घर वालों ने अपनी पसंद से मेरी शादी करवाई थी। कितनी मशक्कत की, उसके बाद उस बेवड़े से मुझे छुटकारा मिला। उसने मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना टॉर्चर किया कि मुझे अफसोस होने लगा कि मैं लड़की बनके क्यों पैदा हुई। मजबूरन मैं कोर्ट गई, वहाँ से मुझे इंसाफ मिला, इसलिए ये स्वीट। मैं ऑफिस में सबको खिला के आती हूँ। बाय। बाय द वे, आई एम अनिता मंत्रा। इस सिस्टम का सत्यानाश किसने किया? किसने किया? बताओ मुझे। सिस्टम खराब है। सुन बटले, तेरे सिस्टम को स्विच ऑफ करने वाला मैं ही हूँ, अब क्या करेगा? सर, सिस्टम स्विच ऑफ नहीं किया है, शटडाउन किया हुआ है। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो ऑफिस को ही शटडाउन कर दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, तू भीख मांगने लगेगा। अरे बाप रे, शुभ काम जल्दी करे, भगवान आपका भला करेगा। सुन, क्या तुझे मेरी शान के बारे में कुछ भी पता है? मुझे नहीं पता। रुक, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ ऐसे ही अपॉइंट नहीं हुआ हूँ, मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेकर आया हूँ। देख वसंत, वसंत हूँ। बदबू आ रही है सर। इट्स ओके। सुन बे, इस ऑफिस में जानने के लिए वैसे बहुत कुछ है। एक्चुअली मेरे नाम के पीछे भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पीछे भी एक हिस्ट्री है। मैं को समझा नहीं। मेरे मम्मी और डैडी, लड़का पैदा हुआ तो वासु, लड़की पैदा हुई तो वसंती नाम रखना चाह रहे थे। मैं पैदा हो गया, इसलिए दोनों मिलाकर वसंत नाम रख दिया। इस घिसेपिटी बात को कोई हिस्ट्री बोलेगा क्या? तूने कुछ कहा? ये बात मुझे अभी पता चली। समझने वाला साधु समझाने वाला महात्मा होता है। फिर महाशय आप कौन है? वसंत हूँ। अच्छा। ए सुन, क्या तुझे पता है फेसबुक पर इस नाम का लड़कियों में कितना क्रेज है? किसी लड़की के नजर में तुम वांटेड होंगे। तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आयो या मेरी टांग खींचने आयो? जा, मेरे लिए चाय ले। क्या नाम बड़े और दर्शन छोटे। ए सुन, आज एक नई लड़की आने वाली थी, वो कहाँ है? ए मंत्रा, जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है ना, ये ऑफिस का वायरस है। देखो ये आ रहा है, उसे मैं एंटीवायरस से साफ कर दूंगी। हेलो वसंत। ओह हेलो सर, तो आप ही मिस्टर वसंत हैं? आपने रीटा की जान बचाई थी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल जेम्स बॉन्ड जैसी पर्सनालिटी होगी आपकी सर। किसी का चेहरा देखकर उसके अंदर की पर्सनालिटी को कोई पहचान नहीं सकता। बट वन थिंग, मंत्र को पढ़ने के लिए तंत्र की जरूरत होती है, और तुम्हें पढ़ने के लिए ये वसंत राव मौजूद है। क्या पंच मारे हैं सर। पंच वंच छोड़ो, काम पे ध्यान दो। वही तो मैं कर रही थी ना सर। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम नहीं करना है,
मेरा काम भी तुम्हें ही करना होगा। क्यों सर, आपको आपका काम नहीं आता? क्यों अनिता, मेरे बारे में बताया नहीं क्या? मैंने तो बताया था सर, ये अपना काम करने के बाद आपके काम पे ध्यान देगी। तुम्हारा अपना काम करना ये जनरल बात है, मेरा काम करना यहाँ का रूल है, समझी ना? नहीं समझ में आया तो केबिन में आ जाना, तुम अपना काम करो। ठीक है सर। हेलो, उसे ढक कर रखे हूँ, ढका ही रहने दो। पहले उसका टेस्ट देखेंगे, फिर सांबर में नुक्स निकालेंगे, फिर मुझे चार बातें सुनाएंगे और अपनी तारीफों के पुल बांधोगे। और नहीं तो क्या, फाइव स्टार होटल से भी बेहतर खाना बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कद्र कहाँ? हाँ हाँ, फाइव स्टार होटल में खाना बनाने के लिए तुम्हें ही तो इन्विटेशन मिलता है। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटी, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? जी सब कुछ ठीक रहा। हैंडसम बॉयज है क्या? काश अगर अभी मैं जवान होती तो किसी अमीर लड़के के साथ बहुत एंजॉय करती, ना कि इस बुड्ढे को झेलती। वो अमीर लड़का बच गया, मेरी जिंदगी का क्या होगा? जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम खाना ठीक से नहीं बनाओगी। अंकल आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता? अभी नहीं आता बेटी, जवानी में ज्वालामुखी थे, कुछ ही साल पहले ही सुधरे हैं। तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। May I come in, sir? Yes, come in. Sit down. Sorry, sir. मैंने आपको disturb तो नहीं किया ना? Sorry, secondary. Work primary. बोलो क्या काम है? आपने मुझे काम इतना powerfully समझाया कि ना समझने का कोई चांस ही नहीं है। Actually, अपने काम में मेरा मन ही नहीं लगा। मतलब? मतलब आज से आपका काम मैं ही करूंगी सर। Very good. अब आइयो तुम रास्ते पे। मैं आपसे एक बहुत personal matter discuss करने आई हूँ सर। मतलब तुम उसे प्यार करती हो क्या? बताओ ना मंत्रा, 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 मंत्र। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। ए सुन कौए, देख रहा हूँ तुझे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, कितना टाइम हो गया मुझे अब तक कॉफी नहीं मिली है। ये क्या आंटी, अंकल कौवे से क्या बातें कर रहे हैं, वहाँ तक कौवा है भी नहीं। वो किसी कौवे से बात नहीं कर रहे बेटी, मुझसे कह रहे हैं। रात में झगड़ा किया था ना, अब कॉफी के लिए हिचकिचा रहे हैं। ए सुन, कॉफी नहीं चाहिए, तू जा। अरे जा। सुनो, कुछ कहना है तो मुझसे डायरेक्टली कहो, कौवे का बहाना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। आप सुने ना सुने उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अंकल को सिर्फ कॉफी चाहिए, है ना अंकल? आंटी से आप लड़ाई क्यों करते रहते हैं अंकल? तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं उससे इस तरह ना लड़ूं, मस्ती ना करूं, तो कब का वो मुझे डिवोर्स दे देती। इस तरह छोटे मोटे झगड़े से प्यार डबल हो जाता है। सारे गमों को बुलाने के लिए यही तो मेरा सहारा है बेटी। ये सब समझने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। तुम शादी कब कर रही हो? अभी तो जॉब ज्वाइन किया है अंकल, फिलहाल शादी वादी कुछ नहीं। किसकी शादी? हमारी मंत्रा की। हाँ हाँ, इसके साथ साथ मेरी भी। तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, अगर सुंदर सुशील लड़की मुझे मिल गई तो मैं शादी कर लूंगा, क्या कहती हो? रस्सी जल चुकी है पर बल नहीं गया, शादी करके तो दिखाओ, गिफ्ट मैं दूंगी। बड़े आए हैं शादी करने वाले। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, हाँ, शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। सन्नाटा क्यों है? अंकल आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं एक दूसरे से मुंह फुलाकर तो नहीं बैठे? आंटी अंकल को क्या हो गया? मेरी बात नहीं सुनते इसलिए बीमार पड़ गए हैं। थर्मामीटर तो निकालो। बाप रे, देखो टेम्परेचर 102 तक बढ़ गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मत बुलाओ बेटी, डॉक्टर ऑलरेडी देख कर गए हैं। ठीक है, प्लीज टेक केयर। बोलिए मैम। मनीषा, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, 15 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट फाइल भेजनी है। श्योर मैम, प्रोजेक्ट टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कंप्लीट होते ही मुझे तुरंत मेल कर देना। ओके मैम, गुड नाइट। ओके बाय।
आओ बेटा मंत्रा। अंकल तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। बेचारी आंटी, आपको लेकर कितनी परेशान थी पता है? आपके लिए उपवास भी रखा है। तो क्या मेरे पर उपकार किया है? ज्यादा मोटी हो गई थी इसीलिए डॉक्टर ने कहा डाइटिंग करने को। मेरे लिए प्यार तो बस एक दिखावा था। क्या अंकल, आप आंटी को ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात नहीं बेटी, इनकी यही बातें मुझे इनके और करीब ले आती है। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा हैदराबाद में कोई नहीं था, कहाँ रहूंगी ये सोचकर दिल घबराता था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए आप दोनों को भेजा। तुम्हें मैं क्या कहूँ मंत्रा, दरअसल भगवान ने हमें नहीं बल्कि तुम्हें हमारे लिए भेजा है। ड्राइवर जरा जल्दी भगाओ, लेट हो रहा है। जी मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? मंत्रा सर। कहाँ रहती हो? एकता नगर। काम क्या करती हो? TSS कंपनी में प्रोग्रामर हूँ सर। Show me your ID। प्रताप, ये मैडम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, इसे गिरफ्तार करना है। ओके सर। मेरा बॉम्ब ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है या नहीं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर रुकिए सर, आई थिंक यू आर रियली मिस्टेकन, आई थिंक यू शुड जस्ट रीचेक द होल थिंग अगेन, इट्स नॉट। कॉलेज का विजय? What an idiot you are, my God! You scared me to death. तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। बदल तो तुम गई हो, और भी सुंदर। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाद में। Hey, one second. ये लो, मैंने नंबर डायल कर दिया है, शाम को कॉल करना। Okay. Okay? Give me the ID. Yeah. Okay. Bye. Okay. Take care. Bye. Okay. Move. Boys, disperse. हाय मंत्रा। हाय। तुम्हारे प्रपोज करने के बाद मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। वायरल हो गया होगा, हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो सकता, मेरे हार्ट को बीट चाहिए। आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सडनली तुम ऐसे हथौड़ा मारोगी तो मेरे हार्ट का क्या होगा मंत्रा? मेरे हार्ट का नहीं नहीं, लगता है तुम इस वक्त स्ट्रेस में हो, मेरी फीलिंग को ठीक से समझ नहीं रही। आपकी फीलिंग्स कुछ समझ में नहीं आ रही है, जरा ऑफिशियली मेल कर दीजिए, इलाज हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं कुछ मेल कर देता हूँ, जस्ट वन मिनट। हाँ क्या यार, ये क्या खिचड़ी पक रही है? उसे एक आइडिया दिया है। उससे क्या होगा? नेले पे देला होगा। वो जो मेल भेजेगा वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर की बेटी को भेज दूंगी। इस एविडेंस के आगे कोई सफाई नहीं चलेगी, फिर जॉब से पैकअप होकर लॉकअप में शिफ्ट हो जाएगा। हाय विजय, आज का प्रोग्राम भूल गई क्या? ओह या, हाउ अबाउट कॉफी डे इन 20 मिनट्स? ओके ओके, आई विल सी यू देयर। बाय बाय। ए कौन है? तू अपना काम कर। मिस्टर वसंत। सर। मंत्रा को भेजा हुआ डर्टी मेल होम मिनिस्टर की बेटी को पहुंच गया है, तो मैं अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है, बी रेडी। हाय मंत्रा। ए सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। क्या हुआ? लेट हो गया तो मूड ऑफ हो गया? ओके लेट्स हैव अ ड्रिंक। वेटर सर। कम। क्या चाहिए सर? कोल्ड ड्रिंक है ना?
कोक है ओके, टू कोक्स ओके सर। चलो अब बताओ कैसी हो तुम, लाइफ में क्या चल रहा है और हैदराबाद कब आई? मॉर्निंग में जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए, सच में बहुत ही प्यारी मेमोरीज थी वो। यू हैव एनी प्रॉब्लम? जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, इतने खामोश क्यों हो? कोई है जो मुझे मारना चाहता है? तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या, किसी से झगड़ा हुआ हो या कुछ और? नहीं। जस्ट रिलैक्स मंत्रा। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? जा जाओ सो जाओ। अंकल इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हैं? मूंगफली चाहिए मैडम? नो थैंक्स। सिर्फ 10 रुपए का है मैडम, बहुत सस्ता है मैडम। आई विल गिव यू डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट मैडम, ओनली 10 रुपीज मैडम, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है दे दो। थैंक यू। वेलकम वेलकम। सॉरी सॉरी। बेवकूफ हो क्या तुम? तुम में दिमाग नहीं है? गॉड आई गॉट सो स्कैर्ड, बच्चों जैसी हरकतें करते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैंने जो गलती की है ना उसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाता हूँ, ओके? लेकिन कहाँ पर? बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मेरे साथ चलो। अरे चलो तो। विजय ये मुझे तुम कहाँ ले आए हो, ये किसका घर है? hey, मैंने कहा ना सस्पेंस है।
मंत्रा, ये मेरे पापा, मेरी मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। बैठो। क्यों बेटा, तुम्हारे कॉलेज में एक फ्रेंड थी मंत्रा, ये वही है क्या? मंत्रा, ये कोई भूतनी नहीं, मेरी बहन है। हाय, आई एम रम्या। मुझे दो मिनट दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। अच्छा, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है बेटे? नहीं है अंकल। वो एक्सीडेंट में चल बसे पापा। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे तुम यहाँ कहाँ रह रही हो? पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही हूँ अंकल। ओहो, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं सबके लिए खाना परोस। नहीं, रहने दीजिए आंटी, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। रुक जाओ बेटा, तुम्हारी आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तुम्हारे बहाने हमें भी मिल जाएगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। बाय बाय। हाँ सर, बोलिए। एक अर्जेंट केस के लिए तुम्हारी जरूरत है। ओके सर। मीटिंग के लिए अभी आना होगा। मैं अभी पहुंचता हूँ। वेटिंग फॉर यू। ओके मंत्रा। मैं समझ गई, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ओके, गुड नाइट मंत्रा। ओके, यू टेक केयर। शॉर्टकट है मैडम। अब क्या हुआ? देखता हूं मैडम। सॉरी मैडम, गाड़ी खराब हो गई। लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगी? थोड़ी दूर जाकर राइट ले लेंगी तो आपका घर आ जाएगा। शुक्रिया मैडम। Thank you.
को लेकर हमें सावधानी बरतनी होगी, उसे पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात है मंत्रा, तुम्हें आज बहुत लेट हो गया। वो क्या है ना आंटी, मैं एक फ्रेंड के यहाँ गई थी। और खाना? खाना वहीं पर खाकर आई। ओहो ठीक है, जाकर सो जाओ बेटी। ओके आंटी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। अभी तक फोन क्यों नहीं आया है? हेलो 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 हेलो, क्या फोन है, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। फोन को दोष मत दो, सिग्नल नहीं मिल रहा है तो फोन की क्या गलती, बाहर जाकर देखो। हेलो। हाय। तू कहाँ है यार? घर पे। आज छुट्टी का दिन है, कुछ प्लान व्लान है? तू क्या सोच रही है? संडे है, सोच रही हूँ शॉपिंग कर लूँ। शॉपिंग कहाँ जाएंगे? वही अपना कला मंदिर। ओके ओके बाय। माँ, मेरे शूज कहाँ हैं? यहाँ पर है। ए चिपकली, माँ कहाँ है? वहाँ पर है। ये लो बेटा। सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ, किसके बारे में? मंत्रा के बारे में। वो बच्ची मुझे बहुत पसंद आई, मैं चाहती हूँ वो इस घर की बहू बने। सॉरी माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता माँ, कॉलेज में जब मैंने उसे प्रपोज किया था तो उसने कहा था कि हम बस अच्छे दोस्त रहेंगे, फिर वो प्यार और शादी की बात से हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए इस बात को यही खत्म कर दूँ माँ, प्लीज। कॉलेज में उसने तुझे रिजेक्ट किया था ना, अब तू ACP है बुद्धू, जरूर एक्सेप्ट करेगी। उससे एक बार बात करके तो देख बेटा, कल की बात और थी और आज की बात और है। हाँ जी भैया, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हो। ठीक है माँ, बात करूंगा। बात करना ही काफी नहीं है, उसे मनाकर शाम को नाश्ते पर ले आना, मेरा ऑर्डर है। हे ब्रो, ऑल द बेस्ट। जल्दी चलना। अरे आती हूँ ना। चूड़ीदार, ये कैसा है? कलर अच्छा है ना? पुराना फैशन हो गया। ओके। वो ब्लैक वाला? या इट्स ओके, इट्स नाइस। वो वाला दिखाइए। कौन है ये? मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ, हम फिल्म देखने जाएं? सॉरी हाँ, बाय। ओके बाय। चलो बाय बाय।
रिलैक्स। चले मैंने कहा था ना मंत्रा कभी इनकार नहीं करेगी। माँ कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो। तेरी बात छोड़, मंत्रा जो कहेगी अब से माँ। पहले तुम मंत्रा को अंदर ले जाओ। चलो बेटी अंदर चलो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों नाराज हो रहा है। विजय क्या हुआ बेटा? मंत्रा पर जानलेवा हमला हुआ है पापा। जानलेवा हमला हुआ? हाँ पापा, ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम जब हमला हुआ था तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। अफसोस, भोली भाली लड़की पर जानलेवा हमला, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें किसी पे शक है? शक को यकीन में बदलना है और वो मैं करके रहूंगा। फिक्र मत करो बेटा, जब तक विजय तुम्हारे साथ है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो मंत्रा, तुम पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में सही से ही बताओगी तो हमला करने वाले को मैं पकड़ सकता हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। डोंट वरी, मैं निकलती हूँ, यही ठहर जाओ बेटा। अरे बेटा खाना तो खाकर जाओ। मैं दोबारा आऊंगी अंकल, अभी जाना है प्लीज। अरे पापा मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके ओके, संभल कर जाना। विजय संभल के। जी राइट, ये वाला राइट। मंत्रा एक मिनट। हाँ?
मंत्रा तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। अरे बताओ तो। प्लीज। मंत्रा तुम बैठो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या सर इस वक्त आप यहाँ? पुलिस और डॉक्टर को टाइम और जगह नहीं देखनी चाहिए, उनकी कभी कहाँ कैसे जरूरत पड़े कोई कह नहीं सकता। अच्छा बोलो तुम यहाँ किस लिए आए हो? और क्या सर, आप क्राइम को खत्म करने की कोशिश करते हैं और हम ढूंढने की, कोई नया क्राइम न्यूज हाथ लगे इसीलिए आया हूँ। चलो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा क्राइम न्यूज देता हूँ, इधर आओ। ये मेरी टीम है। ओह ठीक है मुझे फॉलो करो। मंत्रा चलो। को अभी बताता हूं। सच में क्या तुम इसी घर में आकर ठहरी थी? मंत्रा तुम इसी घर में आकर ठहरी थी क्या? ये घर ऐसा कैसे हो गया? सुबह निकलते वक्त तो साफ सुथरा था लेकिन अब ये बिल्कुल बदल गया, खंडर जैसा हो गया। अंकल अंकल आंटी कहाँ चले गए? अंकल आंटी ये फाइल देखो, तुम खुद समझ जाओगे। कैसे हो सकती है? मैं तो कई दिनों से इनके साथ रह रही हूँ। ये देखो ये प्रसाद है, मेरी कंपनी का ड्राइवर, मुझे रेलवे स्टेशन से पिकअप करके यहाँ लेकर आने वाला यही शख्स था। इसे जरा गौर से पढ़ो, ये कंपनी का ड्राइवर नहीं इस घर का ड्राइवर था। मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं करोगी, इस घर में तीन मर्डर हुए हैं और वो तीनों यही है। केस अभी अदालत में चल रहा है, 2 साल पहले इस घर को सील कर दिया गया था, फिर तुम कैसे इस घर में आकर रहे?
और इनसे कैसे मिली? बोलो मंत्रा। लगेज, मेरे रूम में मेरा लगेज है। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तो यही ड्रेस पहन कर आई थी। ये देखो, ये मैं परसों ही खरीद कर लाई हूँ और ये मैं ऑफिस में पहन कर गई थी। और भी कुछ दिखाती हूँ, रुको, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स इस बैग में हैं। भाई, इस मैडम को और इस घर को देखकर मुझे कुछ और ही ख्याल आ रहा है। को क्या हो गया? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भाई। ए, चुप रहे, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ रुका तो मर जाऊंगा। दरवाजा बंद किया। शिट, सिग्नल भी नहीं है। शेख, फोन देना। इस घर में फोन काम नहीं करता। हम लोग तो बुरे फंसे भाई, अब तो हम लोग की लाश यहां से जाएगी। इस घर को सील किया गया है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलने के अलावा हमारे पास कोई चारा मतलब नहीं है। अब इस घर से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। ओ नो, अब क्या होगा? घबराओ मत, बाहर निकलने का कोई और रास्ता होगा। हमें पहले हमारे मकसद पर ध्यान देना चाहिए। क्या बे, डर लग रहा है क्या? तुम्हारे मसल्स को देखकर मैं फिदा हो गया। इन्हें छूकर बॉडी में करंट दौड़ जाता है। क्या, हम सबकी जान जा रही है और तू करंट दौड़ा रहा है? छी, तुम तो किसी काम के नहीं निकले। हाथ आए मौके को ऐसे ही गवा रहे हो। एक दुम तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चुपचाप निकल ले यहाँ से, कभी नहीं सुधरेगा। तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं ना बेडरूम ढूंढ रहा था। यू नो इट्स माय फेवरेट प्लेस। बेडरूम क्यों बे, कबर्ड ढूंढ लेता आपने। जा छी, हद है चिचवरागिरी की। ये सब क्या हो गया है? मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा। आंटी अंकल की मौत हो चुकी है, तो फिर इतने दिनों से मुझसे बात कैसे कर रहे थे? अचानक गायब हो गए। मुझे कहीं वहम तो नहीं हुआ था? लेकिन वो मुझसे कितना प्यार करते थे, कितने अच्छे इंसान थे दोनों। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग ऐसे सडनली कैसे? विजय, 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 मंत्रा, तुम कहाँ चले गए थे? बाहर निकलने का रास्ता देखने गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सर,
आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तब से इधर ही खड़ा हूँ बेटा। झूठ मत बोलिए, आप मेरे साथ वहाँ मस्ती कर रहे थे, आप सच बताइए। अबे मस्ती किया तो खुश होना चाहिए ना, डर क्यों रहा है? आपकी मस्ती चल जाएगी लेकिन किसी और की नहीं। सच मानो तो ये एक भूतिया घर है, कोई ना कोई है यहाँ पर। ए चले यहाँ से। क्या हुआ? कैमरा में मुझे एक भटकती आत्मा दिखाई दी। कोई आत्मा दिखाई थी? कैसे दिखती है बता? मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। इधर दे। इसमें तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। शैतानी खोपड़ी, खुद डर रहा है या हमें डरा रहा? कथा कहीं का विजय, मुझे प्यास लगी है। भाई बहुत जोर से टॉयलेट लगी है। यहाँ से सीधे जा, बाएं मोड़ जाए वहीं पे। वो मैं ए, बोबो क्या बे, अब करवा के ना क्या? वो बात नहीं है भाई, मेरे साथ चलते तो ठीक रहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। भुखड़ दिन भर खाता रहता है, 10 बार टॉयलेट जाता है। टॉयलेट करते समय तेरी रखवाली करने के लिए आए क्या? प्लीज भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे। तेरी तो भाई गया तेल लेने, चुपचाप अकेले जा। ए, जा। ये सब क्या हो रहा है यार? ये सीजन हमारे पैसे कमाने का है, इनके चक्कर में आकर हम कहां फंस गए? अब यहां से कैसे निकले, क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये दरवाजा किसने बंद किया? लगता है मेरे नसीब में ही खोट है, बताओ अब मैं क्या करूं? चुपर। सर मैं सच कह रहा हूं, अब मेरा दिल घबराने लगा है, मुझे यहां मौत का खतरा नजर आ रहा है। सही कहा शेख, मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूं, यहां कुछ ना कुछ तो चल रहा है, देखते हैं। शेखर उसे टॉयलेट गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? चल के देखें क्या? हाँ यार, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चल देखते हैं। हे मैन, ए रामू कहाँ यार, क्या कर रहा है तू? ए, हमारे साथ खेलेगा तो तू मर जाएगा, अक्कल का अंधा। सर जल्दी आइए। सर देखिए सर, देखिए रामू। ए रामू, किसी तरह चलता रहा तो मारे ही जाएंगे, किसी तरह हमें रास्ता ढूंढना ही होगा, चल। क्या हुआ शेखर? वेणु 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 क्या हुआ वेणु? दरवाजा
विजय, 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 क्या हुआ मंत्रा? मंत्रा क्या हुआ? मंत्रा! चलो मेरे साथ। हम लोग यहाँ किस काम से आए थे और क्या हो रहा है शेखर? बहुत घबराहट। नहीं बैठो। इन्हें क्या हुआ सा? कुछ नहीं, घबराहट के मारे जरा सी चौंक गई है बस। मंत्रा तुम ज्यादा कुछ सोचो मत, जस्ट रिलैक्स ओके। मैं तुम्हारे पास ही हूं, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढ ही निकालेंगे। यहां तो हर किसी की जिंदगी पे खतरा दिख रहा है, वरना हमारे आते ऐसा नहीं होता। सारे डोर्स लॉक कैसे हो गए? हम लोग अंदर कैसे कैद हो गए? लगता है कि करके हम सब मारे जाएंगे। मौत का खेल ऐसा? ये किसका खेल है ये हमें जानना है। और रामू की मौत तो उसके डर के कारण हुई है, क्योंकि यहाँ पर भूत वूत कुछ भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं यहाँ भूत नहीं है सर, यहाँ भूत है। सुन लो, मैंने अपनी सर्विस में बहुत सी मौतें देखी हैं। रामू की बॉडी को मैंने अच्छी तरह से जांचा है, ना ही कहीं पर एक बूंद खून गिरा है और ना ही उसकी बॉडी में कहीं खरोच है। बस डर के मारे उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। आप सही कह रहे हैं, हम सब भी उसी तरह डर डर के मरेंगे। मौत के फरिश्ते ने बुलाया है हमें यहाँ पे। अरे ये सैंडी कहाँ है? शिट, इस सदमे की वजह से तो वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो बेचारा कहीं डर के मारे रास्ता भटक रहा होगा, जब मौत की नींद सो गया होगा। चल एक बार चल कर देखते हैं। चलो। I'm
एजी, मंत्रा का फोन भी नहीं लग रहा। अरे तो क्या हो गया, वो दोनों एक साथ ही होंगे ना, फालतू में टेंशन मत लो, चलो सो जा। वो बात नहीं है जी, आपको पता है ना, कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, हमारा बेटा उसे ड्रॉप करने गया और वो भी नहीं आया, तो बताइए मुझे फिक्र नहीं होगी। बेफिजूल की बातें कर रही हो, वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या? पुलिस ऑफिसर है, डोंट वरी, चुपचाप सो जा, जब देखो टेंशन टेंशन। कौन है उधर? कौन है? कौन रो रहा है?
शेखर क्या हुआ? चीखने की आवाज आई। आवाज उस तरफ से आई सर, लगता है वेनु की है। वेनु, वेनु, वेनु। वेनु, वेनु, वेनु उठो, वेनु, 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 आंखें खोलो वेनु, क्या हो गया तुझे? वेनु, वेनु, he is no more, शांत हो जाओ, सुनो, मंत्रा कहाँ है? पता नहीं सर, oh my god. यहाँ अंदर क्या कर रही थी? किसी ने अंदर से दरवाजा ठोका, आकर देखा तो कोई नहीं था। ठीक है, चलो चलते हैं, आओ। मेरे तीन साथी मारे जा चुके हैं, यहाँ जिंदगी का कोई चांस नहीं, सबके सब मारे गए। अब मेरी बारी है, किसी और की कौन जाने। लगता है अंदर से कोई दरवाजा ठोक रहा है, हो ना हो इस बंगले में कोई राज है। इंसान का काम नहीं है, आत्मा का है। सारे गुनहगार को इकट्ठा करके एक एक करके मार रहा है। अब मेरी बारी है और उसके बाद विजय की बारी। ये बात मुझे विजय को बतानी होगी। विजय सर, सर,
सर। शेखर क्या हुआ? शेखर क्या हुआ? क्या देखा तुमने? मंत्रा, मंत्रा को क्या हुआ? मंत्रा मंत्रा, मंत्रा, मंत्रा कहाँ हो तुम? आत्मा मेरे साथ थे। अकेले कहाँ जा रहे हो विजय? कहीं तुम मुझे यहाँ छोड़कर भागना तो नहीं चाहते? मेरे नजदीक मत आना, शूट कर दूंगा। क्या हुआ विजय? सच कहे बताओ, तुमने उन सबको क्यों मारा? मैंने उन्हें नहीं मारा है। तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें इंसान समझकर अब तक तुम्हारे पीछे भटकता रहा। बेटी मंत्रा, मैं और तुम्हारे पापा बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। तुम्हारे पापा बहुत धनवान थे, फिर भी उन्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो एक दयालु इंसान थे, वो सत्य की राह पर चलते थे और झूठ से दुश्मनी थी उनकी। हम दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लोग उन्हें देवता समझते थे। बहुत महान इंसान थे तुम्हारे पापा। I'm sorry, sir.
इस बार भी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। जगदीश रो मत यार, सब्र से काम ले। मुझे अपने बच्चे को खोने का दर्द नहीं है दोस्त, चिंता तो इस बात की है कि मेरी बीवी इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों बेटियां हैं, आप जाके देख सकते हैं। यार जगदीश, भगवान ने नाइंसाफी नहीं की, मुझे भाभी के आंसू पोंछने का एक मौका दिया है जो हर कीमत पर निभाऊंगा मैं। मेरे यार, मेरी दो बच्चियों में से एक बच्ची को अपनाकर भाभी की जान बचा ले मेरे भाई। बंद कर, सोचा है किसी दिन अगर मेरी बीवी को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। सुन, दोस्त की एक आंसू पर अपनी जान दे दूंगा। बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे यही कहते आया है ना, तो मैं तेरी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ। एक मौका मुझे नहीं देगा, यही है तेरी दोस्ती। मेरी बात सुनो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, उनके होश में आने से पहले एक बच्ची भाभी के पास रख दे, ये बात किसी को पता ना चले। मैं डॉक्टर को समझाता हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। चल यार, चल। उसके बाद उस बच्ची को लेकर वो वाइजाक में जाकर सेटल हो गया। उस बच्ची को गोद लेने के बाद उसके बिजनेस में चार चांद लग गए, मैंने भी करोड़ों कमाए, लेकिन ड्रग एडिक्ट मेरे छोटे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद करने के बाद उसकी नजर मेरे दोस्त की जायदाद पर पड़ी। जब इस बात का मुझे पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो तुम्हारे पापा की जायदाद पर हक जताकर उनसे भी उलझने लगा था। किसी तरह उसे समझा बुझा कर मैं शांत करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में दुश्मनी का जहर लालच की वजह से पलता रहा। मैंने अपने दोस्त को सावधान किया, उसी दौरान एक गाड़ी एक्सीडेंट में मेरी बच्ची अंजलि की डेथ हो गई। मेरी जिंदगी वीरान हो गई, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और मैं पागल सा हो गया। एक दिन पार्क में मेरा एक पुराना दोस्त मिला। तुम रामाराम हो ना? ये मैं हूँ पुरुषोत्तम, पहचाना नहीं क्या? मैं, तुम, जगदीश कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। भगवान ने जगदीश को तो हमसे छीन लिया यार, ये सच है। मेरी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो और भाभी जी दोनों उस एक्सीडेंट में चल बसे। उसकी सारी दौलत बर्बाद हो गई और उसकी बेटी मंत्रा अकेली रह गई इस दुनिया में। मंत्रा, ए रामाराव। पुरुषोत्तम ने बताया कि तुम हॉस्टल में रहती हो। मैंने तुरंत जाकर यह खुशखबरी तुम्हारी माँ को बताई और सारा राज भी बता दिया। आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। हाँ भाग्यवान, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। जगदीश का हम पर इतना एहसान है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। जानकी भाभी और तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे पता नहीं था, इसलिए नहीं बताया। सालों बाद आपने ये राज बताया, फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। एक बच्ची को ऊपर वाले ने छीन लिया, तो उसके बदले ऊपर वाला हमें दूसरे बच्ची से मिला रहा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। ए जी, जल्दी जाओ और हमारी बच्ची को ले आओ प्लीज। ले आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं लाऊंगा, उसे पूरे शान से लाऊंगा। इतने साल मेरी बच्ची ने दुख झेले हैं, मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दूंगा और फिर उसे यहाँ लाऊंगा। वकील को यहाँ बुलाता हूँ। अपने छोटे भाई को हर चीज से बेदखल करके मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद वकील साहब उसे लेकर मेरे पास आए और उसी वक्त अंजलि के जाने के बाद आपकी एक और बेटी है, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई रामाराव जी। आपके मुताबिक आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी इस बच्ची के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वेरी गुड, मैं आज ही जाऊंगा अपनी बच्ची को लाने। तो तुम्हारी एक और बेटी भी, तुम्हारी दौलत पाने के लिए ही मैंने तुम्हारी बेटी को मारा था, और आज तुम इस लॉयर के जरिए अपनी सारी दौलत दूसरी बेटी के नाम करना चाहते हो। ऐसा हो नहीं पाएगा कि मैं उसे भी मार दूंगा। इसका मतलब
अंजलि एक्सीडेंट से नहीं मरी, तूने मारा था उसे। मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तुझे उस पे जरा भी तरस नहीं आया? पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारा ही तो ऐसा मानना है ना। और वैसे भी उसे मारने में बहुत मेहनत लगी, बेचारी बहुत तड़प रही थी मरते वक्त, उसकी हालत देख नहीं पाते तुम। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुझे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसका मौका ही नहीं दूंगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। बहुत ईमानदार हो यार तुम, मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी तुमने। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। तू जानता है तुझे क्या करना है? हाँ? शैतान के चंगुल से एक तुम ही बची थी, तुम्हें मैं शान से अपने घर लाना चाहता था, अपनी जान से बढ़कर हम दोनों तुम्हें प्यार देना चाहते थे। अफसोस, उससे पहले ही हम दोनों की जान चली गई बेटा। तुम तुरंत जाकर लॉयर से मिलो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार पापा सुनना चाहता था, लेकिन ये बदनसीब नहीं सुन सका तुम्हारा पापा। इसी वक्त हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर बाहर जाने के लिए हम लोग दरवाजा कैसे खोलेंगे विजय? ए मंत्रा, तुम भूल गई मुझे, मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हारे बाप का खून किया। रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, हर जगह मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। फिर सोचा इधर उधर हमला करने के बजाय घर में जाकर सीधा काम तमाम करना सही रहेगा, इसीलिए प्लान बनाकर उन चार भाड़े के टट्टुओं को तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया। लेकिन उनके हाथों से भी तुम बचने थे, इसलिए मजबूर होकर आज मुझे ही तुम्हारे सामने आना पड़ा। अब तक तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा फैसला करके ही रहूंगा।
क्यों बे योगी, मुझे पहचाना नहीं क्या? ध्यान से देख, तेरा भाई रामा राव हूं मैं। उस दिन तूने रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, हर जगह पर हर तरह से मंत्रा को मारने की कोशिश की, पर तेरी हर कोशिश को मैंने अपनी ताकत से नाकामयाब कर दिया। तूने पहले मेरी बेटी को मारा, उसके बाद मेरे अपनों को मारते वक्त जरा भी रहम नहीं दिखाया। आज तेरा भी हश्र यही होगा। मैं तेरा फैसला करूंगा, तुझे भी मारते वक्त जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। आज तू मेरे ही हाथों मरेगा। मेरी बेटी को मारेगा। Are you okay?